आरोग्य सभा के माध्यम से हम गांव में आरोग्य गांव को निरोग बनाने के लिए आए हैं कि गांव का एक भी व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं मिलना चाहिए कि हम बीमार हैं, और जो व्यक्ति बीमार है समझिए कि वो कलंकित जीवन व्यतीत कर रहा है। कैसा जीवन? कलंक है वो गांव का। इसलिए किसी को शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, इन सभी प्रकार की बीमारियों से हम सबको बचने के लिए योग करना है। क्या करना पड़ेगा? योग, प्राणायाम। बोलिए प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम। तो आइए आज आपको हम चार प्रकार के प्राणायाम के बारे में परिचय देते हैं, उसका अभ्यास भी करा देंगे। वैसे तो 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन अभी हम आपको 4 प्रकार के प्राणायाम आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। बोलिए भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाति, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी, भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाति, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी, भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपाल भाति, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भ्रामरी। भस्त्रिका में धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते हैं 5 मिनट तक। कपाल भाति में पेट को सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर जाता है। और अनुलोम विलोम में दाहिना उठा दाहिने नाक पर, बाएं नाक से सांस भरते हैं, दाहिना से छोड़ते हैं, फिर दाहिना से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको सर दर्द करता है, जिनको लकवा लगा हुआ है, जिनको कैंसर हुआ है, वो करेंगे तो जड़ से ठीक हो जाता है। जिनको साइनस की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उनको 15 मिनट करना है हम लोगों को अनुलोम विलोम। उसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम होता है, दोनों अंगूठा को कान में लगाते हैं, लगा लीजिए आप लोग भी। तर्जनी को ललाट के बीच में, तीनों उंगली को मोड़ करके आंख पर, मुंह बंद करके नाक से सांस भर कर और 5 बार भौरा जैसा गुंजन करेंगे ओमकार का। हाथ नीचे और 3 बार उद्गीत ओम का उच्चारण करेंगे। हाथों को ऊपर उठाइए, रगड़िए आपस में। हथेली को पूरा रगड़ेंगे और हथेली गर्म हो जाए तो हथेली को आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग